बीच के डूबने का एक तरीका होता है। भारत में डॉक्टर तभी आज मची हुई है, सिर्फ इसलिए मची हुई है कि भारत में जो मूल निवासी हैं वो एक कौम नहीं समझे जाते हैं, हजारों कौमों में बटे हुए, उनमें मुस्लिम बिरादरी भी शामिल है। मुस्लिम बिरादरी भी 142 जातों में बटी हुई है। ओबीसी आधे मुस्लिम बिरादरी में बैठी हुई हैं ओबीसी में और आधे बैठे हैं जनरल में। ओबीसी की 650 बिरादरियाँ हैं, जिनकी गिनती इन बनाने वालों को भी नहीं मालूम, ना हुकूमत को मालूम, लेकिन ये कह रहे हैं कि 650 हैं। हमने सब जब पूछा कि इनके नाम बताइए तो बता नहीं सकते। इस हालत में मैं मुस्लिम बिरादरियों से अपील करी है मैंने और अभी भी करता हूँ, सब जुड़े हैं और सब जुड़ेंगे इंशाल्लाह, कि ये सब बिरादरियाँ इकट्ठा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, क्योंकि मुसलमानों की आधी 80% आबादी जो है वो बिरादरियों में बैठी हुई है, 20% जनरल में। अगर ये बिरादरियाँ नहीं जुड़ती 80% मुसलमान की आबादी है ही नहीं, तो फिर मुस्लिम पॉपुलेशन रही कहाँ? अगर बिरादरियों में नहीं बिरादरियाँ आपस में नहीं जुड़ेंगी तो पॉपुलेशन है कहाँ? इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है कि सब तेज़ी से जुड़ेंगे। यही कदम शिवकाश में भी उठाया जा रहा है, ये भी ट्राइब में भी उठाया जा रहा है, ये ओबीसी में भी उठाया जा रहा है। तो अगर 90% लोग आज इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर सबकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और इससे कम पे ख़त्म होगी भी नहीं। अगर ये इकट्ठा नहीं होते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी। ये जब ही ख़त्म होगी जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो अपने समाजों से नाम निकाल निकाल कर इनके समाजों के लोग आएंगे तो समाजों के काम करेंगे। अभी ऊपर से जो टिकट दे दिए जाते हैं वो समाजों के नहीं होते, वो समाजों के नहीं होते, वो ऊपर से टिकट तोते होते हैं, जिनको टिकट दे दिए जाते हैं तोतों की तरफ होते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि समाज से लोग मिलते हैं, समाज अपने कैंडिडेट निकालें, वो जब समाज निकालेंगे तो समाज जिताएंगे भी, उसमें ना टिकट की बेचने की जरूरत पड़ेगी, ना इलेक्शन में पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, समाज सब अपना अपना काम करेंगे। कार्यक्रम मध्य प्रदेश की जो भी ओबीसी की बिरादरी है उन पर छापे करने का मकसद ये है कि सारे शादियों को हमारे